इस समय हम विरार पश्चिम में आए हुए हैं और जिस तरह से आप जानते हैं कि तहलका न्यूज़ इंडिया इससे पहले भी रोड के ताल्लुक से काफ़ी खबरें चला चुका है और इस बार भी हम आपको रोड के ही संबंध में कुछ जो है वो दिखाना चाहते हैं। ये जो इलाका है इसे सोमवार बाज़ार का इलाका कहा जाता है। ये जो रोड है ये मुख्य रास्ता है जो ज़कात नाके की ओर जाता है। यहाँ से काफ़ी गाड़ियाँ जो है वो आती जाती है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पर उनको जाने के लिए ये एक जो है वो मुख्य रास्ता है। अब इस रास्ते की हम एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो मेरे दाईं ओर आपको बता दूं मैं, ये रोड जो है ये रोड नाले के जो RCC कंस्ट्रक्शन है उससे जॉइंट किया हुआ है। अब ये रोड जो है वो RCC से हट कर दब चुका है, बैठ चुका है एक तरह से, और ये इतना ख़तरनाक हो चुका है कि यहाँ पर बड़े से बड़ा हादसा होने की संभावना है। और इसकी वजह ये है कि ये रोड और RCC के बीच में काफ़ी बड़ा जो है गैप हो चुका है और टू व्हीलर ड्राइवर्स और फोर व्हीलर ड्राइवर्स जब यहाँ से जाते हैं, जब गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं तो वो एक जर्क करती, एक झटका लेकर के वो आगे की ओर जाती है। क्योंकि इन दिनों बारिश का मौसम है तो जो बैठा हुआ रोड है उसमें जो है पानी जमा हो जाता है और पानी जमा हो जाने के कारण वो दिखाई नहीं पड़ता है। और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि टू व्हीलर जो है वो इन पानी के गड्ढे में अचानक से आ जाती है और ब्रेक्स लगने होते हैं और उससे स्किड भी हो जाती है, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारी लगातार इन खबरों के बाद वसई विरार महानगर पालिका ने काफ़ी रोड के जो गड्ढे हैं वो भरने शुरू कर दिए हैं, लेकिन पेवर ब्लॉक से भरने के बाद में भी उनके जो बॉर्डर्स होते हैं, उनका जो रोड के साथ में जो मिलाव होता है वहाँ पर फिर से गड्ढे हो जाते हैं और वो भी टू व्हीलर चलाने वालों के लिए काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। ये खबर में हमने पहले बताया है। मैं अपने बाएं और कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि यहाँ पर जो है पत्थर आ चुके हैं और जो है ग्रिट पाउडर भी यहाँ पर आ गया है ताकि यहाँ पर रोड का काम जो है वो किया जाए, एक बड़ा पैच जो है रोड का किया जाए, क्योंकि ये रोड काफ़ी ख़राब था और हमारी खबरों में हमने ये बताया था कि तालाब नुमा जो गड्ढा है वो इसी तरह यहाँ पर जो है बना हुआ था, लेकिन उस गड्ढे को अब भरा जाएगा और ये जो पूरा रोड है ये पूरा पैच किया जाएगा। सोचने की बात ये है कि जिस रोड की हम अभी खबर बता रहे थे आपको, जिस रोड के बारे में हम आपको बता रहे थे कि ये बैठ गया है यहाँ पर, किस क्वालिटी का जो है रोड कंस्ट्रक्शन यहाँ पर वसई विरार महानगर पालिका के कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं कि ये जो रोड है ये पूरी तरह से बैठ जाता है। क्या रोड में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आने जाने वाले गाड़ियों के जो वज़न है वो उठा सकें? दूसरी ओर स्वच्छता अभियान हमारे देश में छिड़ा हुआ है, स्वच्छता अभियान की यहाँ पर जो है किस तरह से धज्जियाँ उड़ रही है वो भी आप देख लीजिए। ये रोड है और रोड के पास में देखिए कचरे का ढेर लगा हुआ है। ये म्युनिसिपैलिटी का पानी का जो है ये लाइन है, ये पाइपलाइन है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जम कर जो है वो काई जम गई है, ग्रीन ग्रीन हो गया है ये एरिया। सफाई जो है वो यहाँ पर साफ नज़र आ रही है किस तरह से हमारे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। और एक ख़ास बात आपको बता दूँ, रोड के जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर ये रोड में गड्ढा पड़ चुका है। इस गड्ढे को आप देखिए, काफ़ी गहरा गड्ढा है, छोटा है लेकिन काफ़ी गहरा है, और इसी तरह से इसके ऊपर से जब गाड़ियाँ जाती रहेंगी तो ये भी गड्ढा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम हमारे दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को बताते रहें, हमें अवगत कराते रहें ताकि हम आपकी समस्याओं को प्रशासन तक ज़रूर पहुँचाएँ और हम ज़रूर पहुँचाएँगे। कैमरामैन रॉकी के साथ मैं बिलाल शेख, तहलका न्यूज़ इंडिया के लिए विरार पश्चिम से। तहलका न्यूज़।